हेलो पीपल, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं जाहिद और आज के वीडियो में करने वाला हूं सुजुकी बर्गमैन और टीवीएस सेंटोर का कंपैरिजन। तो बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको इसका फुल बारीकी से कंपैरिजन करके बताऊंगा आपको गाड़ी क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए और कौन सी गाड़ी बेस्ट है, सुजुकी बर्गमैन या फिर टीवीएस सेंटोर। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल जी टेक्नो को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। सबसे पहले बात करते हैं लुक की, तो एंटोर का लुक स्पोर्टी है और इसका रियर प्रोफाइल काफ़ी यूनिक है। इसमें LED टेल लाइट दिया हुआ है जो कि टी के शेप में है और इसका इंडिकेटर देख के आपको बाइक वाला फील आएगा। साइड से भी देखने में स्कूटर काफ़ी प्रीमियम लगती है। बात करते हैं बर्गमैन की लुक की, तो ये एक मैक्सी स्कूटर है जो टूरिंग के लिए काफ़ी कम्फर्टेबल है। अगर आप ट्रैवलिंग पसंद करते हैं तो बर्गमैन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसका फ्रंट प्रोफाइल भी काफ़ी डिफरेंट है। इसमें फ्रंट में एक विंडशील दिया हुआ है जो स्कूटर को एक एलिगेंट लुक देता है और ये स्कूटर दूर से चल के आती है तो ऐसा लगता है कोई बाइक चल के आ रही है। इसका हैंडल जो है बॉडी से अलग है, अभी तक आपको इस टाइप का हैंडल बहुत ही कम स्कूटर में देखने को मिला होगा। बर्गमैन साइड से भी देखने में काफ़ी यूनिक लगती है और इसका रियर प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा है। ऑल ओवर लुक वाइज दोनों ही स्कूटर बहुत अच्छी है। अभी आपकी चॉइस है आपको कौन सा स्कूटर पसंद आएगा। इंजन की बात करें तो एंटोर्क में 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन दिया है और वहीं बर्गमैन में भी 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन दिया गया है। बर्गमैन में एक्सेस का ही सेम इंजन यूज़ किया गया है जबकि एंटोर्क में नए तरीके से डिज़ाइन इंजन का यूज़ किया गया है। बर्गमैन 2-वॉल्व इंजन है जो कि 8.7 PS की पावर जनरेट करता है। वहीं एंटोर्क में 3-वॉल्व दिया गया है और ये 9.4 PS की पावर जनरेट करता है, तो एंटोर्क में आपको थोड़ा ज़्यादा पावर मिलेगा कम्पेयर टू बर्गमैन। माइलेज की बात करें तो बर्गमैन की माइलेज कंपनी क्लेम करती है 54 KMPL, बट आपको 45-50 की माइलेज इसमें मिल जाती है। वहीं एंटोर्क में कंपनी 48 KMPL की माइलेज क्लेम करती है, बट आपको 35-40 की माइलेज इसमें मिल जाती है। लाइट्स की बात करें तो बर्गमैन के हेडलैम्प में LED लाइट का यूज़ किया गया है जबकि एंटोर्क में बल्ब लाइट दिया गया है, LED का यूज़ नहीं किया गया है। दोनों ही स्कूटर में LED DRL दिया गया है जो कि इन दोनों स्कूटर को बाकी स्कूटर से काफ़ी अलग बनाता है और दोनों ही स्कूटर में LED टेल लाइट का यूज़ किया गया है। बर्गमैन में 6 LED लाइट दिए गए हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम लगती है और एंटोर्क में टी शेप का LED लाइट दिया गया है। एंटोर्क में स्पोर्टी लुक का एग्जॉस्ट नोट दिया गया है, तो वहीं बर्गमैन में भी आपको एग्जॉस्ट नोट स्पोर्टी लुक का मिल जाता है। साउंड सुनते हैं, देखते हैं किसकी अच्छी है। तो यहाँ पे एंटोर्क का साउंड ज़्यादा अच्छा है कम्पेयर टू बर्गमैन। देखते हैं आप कौन सी स्कूटर ज़्यादा प्रैक्टिकल है। बर्गमैन में आपको सामने में 1 लीटर बोतल रखने का स्पेस मिल जाता है जो कि एंटोर्क में नहीं दिया गया है। बर्गमैन में चार्जिंग पॉइंट सामने दिया हुआ है और वहाँ पे 2 लीटर का स्पेस है, तो आप अपना सामान वहाँ पे आराम से रख सकते हैं, जबकि एंटोर्क में चार्जिंग पॉइंट सीट के अंदर दिया गया है और सामने में ऐसा कोई भी स्पेस नहीं है जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। बर्गमैन में सामने में आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है जहाँ पे आप अपना लेग स्ट्रेच आराम से कर सकते हैं। एंटोर्क में ऐसा स्पेस नहीं दिया गया है तो लॉन्ग ड्राइव में आपको प्रॉब्लम होगी। बर्गमैन में सीट अनलॉक करने के लिए आपको की निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि एंटोर्क में सीट अनलॉक करने के लिए आपको की निकालना पड़ता है और पीछे जाके अनलॉक करना पड़ता है। फ्यूल फिलिंग पॉइंट जो है एंटोर्क में बाहर दिया गया है जबकि बर्गमैन में सीट के अंदर दिया गया है। आपको इस स्कूटर में मिलता है 2 हुक, एक हैंडल के जस्ट नीचे और दूसरा सीट के नीचे।
स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो बर्गमैन में आपको 21.5 लीटर का अंडर स्टोरेज मिल जाता है, जिसमें आप अपना स्मॉल साइज हेलमेट आराम से रख सकते हैं, लेकिन फुल फेस हेलमेट उसमें नहीं आएगा। एंटॉर्क में आपको 22 लीटर का अंडर स्टोरेज मिलता है, उसमें भी आप अपना स्मॉल साइज हेलमेट रख सकते हैं, लेकिन फुल फेस हेलमेट उसमें भी नहीं आएगा। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो बर्गमैन में आपको 5.6 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, जबकि एंटॉर्क में 5 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बर्गमैन में थोड़ा ज़्यादा कैपेसिटी मिलता है। बात करते हैं आप डायमेंशन की, तो बर्गमैन का ऑल ओवर जो लेंथ है 1880 mm है और एंटॉर्क का 1865 mm है। बर्गमैन की ऑल ओवर जो हाइट है 1440 mm है और एंटॉर्क की हाइट 1160 mm है। बर्गमैन का विड्थ 675 mm है और एंटॉर्क का 710 mm है। बर्गमैन का ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm है, जबकि एंटॉर्क का 155 mm है। बर्गमैन का व्हील बेस 1265 mm का है और एंटॉर्क का 1285 mm का है। तो एंटॉर्क का व्हील बेस ज़्यादा है कम्पेयर टू बर्गमैन, तो इसमें आपको अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाती है। सीट हाइट बर्गमैन की 780 mm है और एंटॉर्क की 765 mm है। सिटिंग कम्फर्ट बर्गमैन की ज़्यादा अच्छी है कम्पेयर टू एंटॉर्क। पिलियन के साथ भी बर्गमैन काफ़ी कम्फर्टेबल है कम्पेयर टू एंटॉर्क। स्टेबिलिटी की बात करें तो एंटॉर्क की स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है कम्पेयर टू बर्गमैन। इसके पीछे मेन रीज़न है इसका 110 mm का रियर टायर और 116 kg का इसका हैवी वेट और 1285 mm का व्हील बेस है, जिसकी वजह से भी स्कूटर काफ़ी स्टेबल रहती है। ऑल ओवर स्टेबिलिटी एंटॉर्क की अच्छी है कम्पेयर टू बर्गमैन। बर्गमैन की भी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है कम्पेयर टू अदर स्कूटर। बर्गमैन का ऑल ओवर वेट 108 kg है और एंटॉर्क का 116 kg है। एंटॉर्क में फुल डिजिटल स्पीडोमीटर दिया गया है, जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। इसमें आपको लास्ट पार्क लोकेशन, नेविगेशन असिस्ट, कॉलर आईडी जैसे और भी 20-25 फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं बर्गमैन में भी सिंपल सा डिजिटल स्पीडोमीटर दिया गया है, जिसमें आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती है। ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट में दोनों ही स्कूटर में डिस्क ब्रेक दिया गया है। बर्गमैन कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आता है, जबकि एंटॉर्क में कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम नहीं दिया गया है। दोनों में ही रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया 130 mm का। दोनों ही स्कूटर में एलॉय व्हील दिया गया है। लुक वाइज एंटॉर्क का व्हील ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज ये डायमंड कट शेप में डिज़ाइन किया गया है। हैंडलिंग दोनों ही स्कूटर की बहुत अच्छी है, लेकिन सिटी राइडिंग में एंटॉर्क की हैंडलिंग ज़्यादा अच्छी है कम्पेयर टू बर्गमैन। एंटॉर्क जो है कम जगह से भी निकल जाती है और बर्गमैन में थोड़ा सा टाइम लगता है। एंटॉर्क में दोनों व्हील में 12 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। फ्रंट में 100x80 mm का टायर दिया गया है और रियर में 110x80 mm का टायर दिया गया है। बर्गमैन में भी फ्रंट में 12 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है 90x90 mm का और रियर में 10 इंच का टायर दिया गया है 100x90 mm का। एंटॉर्क में कुछ और एडिशनल फीचर्स दिए गए हैं, उसके बारे में बात करते हैं, जो कि बर्गमैन में नहीं दिया गया है। तो एंटॉर्क में आपको एक इंजन किल स्विच मिल जाता है, जिससे आप इंजन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें आपको एक और स्विच मिल जाता है, जिससे आप अपने हेडलाइट को भी ऑन ऑफ कर सकते हो। एंटॉर्क में आपको पासिंग लाइट भी मिल जाता है और एंटॉर्क में पार्किंग ब्रेक भी दिया गया है, जो कि बर्गमैन में नहीं है। एंटॉर्क में अंडर स्टोरेज में भी एक LED लाइट दिया गया है, जो कि नाइट में काफ़ी हेल्प करता है। प्राइस की बात करें तो एंटॉर्क का जो एक्स शोरूम प्राइस है 60,000 rupees है न्यू दिल्ली और बर्गमैन का एक्स शोरूम प्राइस है 68,000 rupees। तो यहाँ पे बर्गमैन का प्राइस 8,000 rupees ज़्यादा है कंपेयर टू एंटॉर्क। दोनों स्कूटर की ऑन रोड प्राइस की बात करें तो एंटॉर्क 78,000 rupees की है और बर्गमैन 82,500 rupees की है। बिल्ड क्वालिटी और फाइबर क्वालिटी की बात करें तो बर्गमैन में अच्छे क्वालिटी का फाइबर यूज़ किया गया है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसकी फिटिंग वगैरह भी बहुत अच्छे से की गई है कंपेयर टू एंटॉर्क। एंटॉर्क का फाइबर क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है और उसकी फिटिंग भी उतने अच्छे से नहीं की गई है। एंटॉर्क का इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है उसकी भी फिटिंग अच्छे से नहीं की गई है, वो भी थोड़ा सा हिलता है। दोनों स्कूटर में जो प्राइस का डिफरेंस है 10,000 rupees का, वो इन्हीं सब रीज़न की वजह से है। अब दोनों में से कौन सा स्कूटर लेना सही रहेगा, ये आपके नीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको एक फैमिली स्कूटर चाहिए, ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, अच्छी माइलेज चाहिए और स्कूटर बहुत प्रैक्टिकल चाहिए, तो डेफिनेटली आप बर्गमैन ले सकते हैं। अगर आपको एक रेसिंग स्कूटर चाहिए स्पोर्टी लुक में, माइलेज और कम्फर्ट आपके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता है, तो आप एंटॉर्क ले सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरीके की और वीडियो यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। अगर कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, जब भी गाड़ी चलाएं हेलमेट ज़रूर पहने। टेक केयर, बाय बाय।